कहानी दिल्ली की ना आपको वो लोकेशन दिखा रहा हूँ जहाँ अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह 8 बजे आके ना आप देसी घी का नाश्ता एंजॉय कर सकते हो। ओल्ड दिल्ली चावड़ी बाजार और चांदनी चौक के ऑप्शंस हैं। आइए आपको बताते हैं कहाँ सुबह सुबह आके अर्ली मॉर्निंग आप ये देसी घी का नाश्ता इन जगहों पे एंजॉय कर सकते हैं। फिर बात करते हैं शाम स्वीट से। जैसा कि मैंने आपको बताया देसी घी का नाश्ता सुबह सुबह 8 बजे चांदनी चौक और चावड़ी बाजार में कहाँ मिलता है, उसमें से एक ऑप्शन सबसे पहला वाला हमारा ये है शाम स्वीट। जी बेजली तैयार है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। इनके चने की सब्जी देसी घी में हर चीज़ बनती है। और ये आ गया इनका कचालू मेथी की चटनी साथ में। और ये आ गए हमारे आलू। आलू पे आप देखो ऊपर रोगन और तड़का क्या सही लगा हुआ है। मतलब ये चीज़ें ना आपको अगेन चांदनी चौक या चावड़ी बाजार में मिलती हैं। साथ में आपको शाम स्वीट का नागौरी है, नागौरी और हलवा। और वो है जी इनके बढ़िया से गुलाब जामुन। और ये गुलाब जामुन आ गए, साथ में आपका जाता है हलवा। तो ऑप्शन हमारा है जी छैनाराम, जहाँ पे आपको देसी घी का नाश्ता ना अर्ली मॉर्निंग मिल जाता है। सुबह 8 बजे दुकान खुल जाती है और सुबह सुबह आकर ना आप इनके ये पूरी छोले का आनंद ले सकते हो। और एकदम लाइट होते हैं, सुबह सुबह 8 बजे आके फतेहपुरी पे पड़ती है ये रोड। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है देसी घी के नाश्ते के लिए आपके लिए। आपको पता है ये घेवर के लिए बहुत फेमस है, मिठाइयों के लिए बहुत फेमस है, कराची हलवे के लिए, बट इनका नाश्ता भी बहुत बेहतरीन है जो अर्ली मॉर्निंग आपके आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, आपको स्नैक्स भी मिल जाते हैं, वो भी सब देसी घी में ही बनाए जाते हैं। पकौड़े शाम को बनाते हो? 1 बजे 1 बजे से 4-5 बजे तक मिलते हैं आपके यहाँ स्नैक्स। और सुबह सुबह 8 से 11 मिलता है पूरी। तो पूरी छोले सुबह 8 से 11, उसके बाद आप देखते हो तो 1 बजे के बाद आपको स्नैक्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इनके पनीर के पकौड़े और दूसरे पकौड़े मिलते हैं आपको यहाँ पर। सुबह का टाइम है, नज़ारा आप देख ही सकते हो। ये सोमवार का दिन है, सोमवार को भी अच्छी रौनक रहती है दुकान के ऊपर। पूरी के साथ ना ये सब्जियाँ जाती हैं। ये आ गई जी आपकी आलू की सब्जी, और ये आ गए आपके छोले चने, और साथ में ये आ गई आपकी मेथी की चटनी और अचार, गाजर का अचार और मेथी की चटनी। तो ये इतना आप ये कचौरी ले सकते हो सुबह के वक्त 8 से 11 आपको मिलती है। कचौरी बाद में भी मिलती है, 5 बजे तक मिलती है, बाकी पूरी चने आपके 11 बजे तक। मैंने आपको जैसे बताया ना सुबह का नाश्ते का आनंद लेने भैया भी आए हुए थे। क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद है। अरविंद, तो अरविंद जी कैसा लगता है आपको यहाँ छैनाराम का नाश्ता? घेवर के लिए तो फेमस है ही मिठाइयों के लिए, बढ़िया नाश्ता कैसा लगता है आपको? सभी मिठाइयाँ अच्छी हैं और पूरी बहुत बढ़िया है। पूरी बहुत बढ़िया, एकदम लाइट वेट होती है इनकी पूरी, फैट भी कम है। और देसी घी का नाश्ता देखो एकदम सूखी भी आपको लगेगा नहीं कि पूरी के ऊपर घी भी आ रहा है जी। आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। बाहर से आए यहीं से? 5 पीढ़ियों से खा रहे हो? क्या बात है भैया, फिफ्थ जनरेशन है। दुकान तो पुरानी है ही, 1901 से कराची से दिल्ली में आ गए पार्टीशन के बाद। बट सर ने बताया तो आप देखो 80 साल हो ना पार्टीशन के बाद से, बाद 5 पुश्तों से ये भी नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। ये अपने आप में काबिले तारीफ है किसी भी दुकान के लिए। थैंक यू भैया बात करने के लिए। देसी घी के नाश्ते का ना एक ऑप्शन ये भी है शिव मिष्ठान भंडार, लगभग 70 साल से भी ज़्यादा पुरानी दुकान है और हर चीज़ यहाँ पर देसी घी में बनती है। ये दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पर देसी घी के नाश्ते के ऑप्शन। आ जाइए। तो मेरे साथ ना बिट्टू भैया भी, क्या हाल है बिट्टू भैया? तो थोड़ा सा बताइए इस दुकान के बारे में, कब से है? अब तो रौनक ही चेंज कर दिया आपने दुकान की, पहले मैं आया करता तो कुछ अलग होता था, बट इतना प्यारा रेस्टोरेंट बना दिया आपने अपन। 1950 से चल रही है। और क्या टाइम, तो टाइम क्या रहता है बिट्टू भैया अपना दुकान का? सुबह 7:30 बजे से लेके रात को 8:30 बजे। और क्या क्या मिलता है वैसे बेजनी? और ये सबसे पॉपुलर है ही पुरानी दिल्ली का, इसके अलावा कोई खासियत आप अलग से बनाते हो? ये हलवा नगोरी बनाते हैं। हलवा नगोरी बनती है आपकी, और सुबह 8 बजे यहाँ नाश्ता मिल जाता है। जो देखो मैंने आपको बताया था ना देसी घी का नाश्ता चांदनी चौक का, ये वन ऑफ दी टॉप शॉप्स है जहाँ देसी घी का नाश्ता आपको अर्ली मॉर्निंग में मिलता है। कोई छुट्टी होती है भैया अपनी? नहीं, कुछ कोई छुट्टी नहीं होती, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे खुल जाती है। और थैंक यू भैया बात करने के लिए। तो ये देसी घी की ना जलेबी भी यहाँ बन रही है, जलेबी रबड़ी बहुत डिमांड में रहती है शिव मिष्ठान भंडार की। तो देसी घी की जलेबी अगर आपको खानी है ना तो यहाँ पे भी बड़ी अति उत्तम मिलती है।
को आलू की सब्जी आ गई है हमारी, जो बेटवी के साथ जाती है और साथ में चले। देखो बेटवी के साथ ये कॉम्बो जाता है और ये भी देसी घी में बनता है, और ये है इनका मूंग की दाल का हलवा, पुरानी दिल्ली की जो खासियत है। मैम देखो आप कितने हैं, गुलाब जामुन पुरानी दिल्ली है ना, यही खास बात है, आपको क्वालिटी एकदम A1 मिलती है और खालिस मिलती है। और साथ में ये जाती है आपकी हलवा नागोरी, ये नागोरी और बेडमी वहाँ पे ताजी ताजी बन रही है, साथ में प्लेट में मारा जाता है। अच्छा और बिट्टू भैया कितने की प्लेट रहती है हमारी? बेडमी 120 रुपये है और नागोरी कितने रुपये रहती है? 100 रुपये। आप देखिए 120-100 रुपये का रेट है, देसी घी के अंदर बनी हुई है। सुबह अगर आपका मन करे पुरानी दिल्ली आने का और एक बेहतरीन नाश्ता करने का, तो ये आपके लिए एक जॉइंट है जहाँ पे बढ़िया देसी घी के अंदर आपको मिल जाती हैं नाश्ते की ऑप्शन। ठीक है, बैठने हमारी तैयार है। और प्लस इनका ना एक प्लस पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, इनके यहाँ ना बैठने की जगह है बहुत अच्छी, वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। आराम से एसी की सेटिंग में बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो। चलिए जी अब लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे, जहां आपको देसी घी का नाश्ता मिलता है। जिस जगह पे होना जी चावड़ी बाजार में, वो लगभग 65 साल से ज्यादा पुरानी है इस जगह पर, और इससे पहले हुआ करती थी लयालपुर पाकिस्तान में। फेमस है अपने नाश्ते के लिए चावड़ी बाजार में। आइए लेके चलते हैं आपको, दिखाते हैं इनकी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। साथ ना अमित जी, अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो कब से है सर अपनी ये शॉप? ये भी 1956 से है। 1956 से पाकिस्तान से चले यार, यहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, तो इनकी इसकी शुरुआत क्या की थी? ये हमारे बड़े हैं। अच्छा, ये दादाजी हैं आपके? ये हमारे दादाजी हैं। ओके, इन्होंने स्टार्ट किया है, मेहनत करी है पूरी। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है शोरीलाल जी। शोरीलाल जी, थैंक यू भैया जी। यहाँ के देखो मेन कलाकार, तो आप ये देखो जी, ये पनीर वाले भटूरे की भी तैयारी हो रही है। तो पूरी छोले मिलते हैं आपको यहाँ पर, और भटूरे छोले भी मिल जाते हैं अगर आपको सुबह सुबह नाश्ते में एंजॉय करना है। और साथ में जाती है पनीर की पिट्ठी इसके अंदर। भाई जैसा कि ना दुकान पूरा दिन खुलती है सुबह से लेकर रात तक, तो आप स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हो। इनके पास यहाँ आपको पनीर के पकौड़े भी मिल जाएंगे, कचौरी मिल जाएगी और समोसे भी मिल जाएंगे। लो जी साथ में आपकी जाती है फ्रूट से भरपूर चटनी, या आप ले लो पुदीने की चटनी, ये स्नैक्स के साथ जाएगी आपके। बढ़िया अनार और केले डाल के चटनी हो गई तैयार, क्या बात। और ये आ गई जी हमारी पुदीने वाली चटनी, साथ में एंजॉय करो जी आप देसी घी का हलवा मालपुए, और उसके साथ आप ले सकते हो जी ये वाली नागोरी। लगवाते हैं भटूरे छोले की प्लेट और एक लगवाते हैं पूरी छोले की प्लेट। आपके पास दोनों ऑप्शन है, भटूरे छोले भी ले सकते हो और पूरी छोले भी ले सकते हो। तो पहले तैयार हो के आएगी जी देखो हमारी पूरी, एकदम फुटबॉल जैसी पूरी निकलेगी, आप देखना बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो ये पूरी तैयार है, क्या बात है। और साथ में देखो जी ये जाती है पूरी के आलू और कोफ्ते की सब्जी, आलू कोफ्ता और छोले जाते हो, तो ये है जी इनके आलू कोफ्ते। कोफ्ता जो होता है ना हमारा, घी का और पनीर का बनता है, तो ये इसकी एक स्पेशलिटी भी है सब्जी की, तो ये कोफ्ता साथ में जाता है इस थाली के। और जाता है जी आपका ये छोले, तो बढ़िया नाश्ता खाने का मूड हो रहा, तो इससे बेटर जगह नहीं हो सकती आपके लिए। तो लो जी ये पूरी छोले की प्लेट लग रही है अपनी, साथ में जाते हैं जी ये छोले, और ये जाता है साथ में आलू और कोफ्ते की सब्जी। आलू इसी के अंदर जाएगा और कोफ्ता भी इसी के अंदर जाएगा आपका, और ऊपर से ये हल्का सा रोगन और पूरी जाएगी। और अब एक जाएगी भटूरे छोले की प्लेट, ये प्लेट हो गई जी हमारी पूरी, ये पूरी छोले की प्लेट बन गई हमारी। और अब लगवाते हैं जी एक भटूरे छोले की प्लेट। लो भैया का हाथ ना प्रॉपर चक्रव्यूह की तरह चलता है, पैंटा मार के पूरा डालते हैं भटूरे और पूरी। अब ये हमारा भटूरा भी तैयार हो गया जी। तो लो जी ये आ गया भटूरा, तो ये भटूरे की प्लेट तैयार हो गई हमारी, और साथ में जाएगा अचार और छोले आ गए भटूरे के। तो पूरी में और भटूरे में ना सेम ही छोले यूज होते हैं, इसमें बस एक पनीर का पीस जाता है कोफ्ते की जगह। कोफ्ता अगर आप डलवाना चाहते हो तो डलवा सकते हैं। तो लो जी ये अब आपको कंपैरिजन क्या दिखाएं, ये पूरी है हमारी और ये भटूरा आ गया हमारा। तो दोनों ही प्लेट आपको मिल जाती हैं, भटूरे की भी और पूरी की। एक पीस 70 रुपये का है और 65 रुपये की पूरी है, दो पीस लेने हो तो डबल हो जाएगा। और भटूरे 130 रुपये के, 140 के दो। तो ये देसी घी के भटूरे हैं जी आपके। चलिए करते हैं रिव्यू और बताते हैं इसका स्वाद। स्टेशन की बात करूँ ना, तो चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना, आप किसी से पूछ लीजिएगा स्टैंडर्ड स्वीट ना आज़ादी से भी पहले की है, और आज तक सबसे टॉप पोजीशन बनाए हुए है ओल्ड दिल्ली के नाश्ते की जगह के अंदर। आइए दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पर। हर चीज ना यहाँ पे पकौड़े से लेके पूरी से लेके कचौरी तक, हर चीज यहाँ पे देसी घी में बनती है। पकौड़े हो रहे हैं तैयार दिन में देसी घी के अंदर। अब देखो आपने पकोड़े बहुत खाए होंगे, बट देसी घी के पकोड़े दिखा रहा हूँ आपको। हर चीज़ की
जो बनावट है वो देसी घी में बनाई जाती है। देखो ये लो जी, ये गर्मा गर्म बेडमी बन रही है हमारी, तो देसी घी की बेडमी आपको मिलती है यहाँ पर। बेडमी के साथ आपको मिलती है चने की सब्जी और अपना आलू की सब्जी। जी सब्जी देखो दिखने में तो कितनी शानदार है, ओहो हो भूगन बढ़िया आ रहा है उसके अंदर। मतलब ऐसी सब्जी भी जो है ना आपको ये पुरानी दिल्ली में ही देखने को मिलेगी। तो इसमें रोगन इसलिए आ रहा है कि देसी घी का कमाल है ये सारा का सारा। दिखने में देखो आप क्वालिटी कितनी बढ़िया लग रही है। कितने की प्लेट रहती है अपनी वैसे बेडमी की? 100 रुपये की। नागौरी है जी, देखो नागौरी हलवा बेडमी पूरी की पूरी, इस पर जाएगी सब्जी। वो सब्जी दिखने में इतनी शानदार लग रही है। साथ में जाएगा अचार और साथ में कर लेते हैं नागौरी की प्लेट। तो हलवा आ गया पहले हमारा नागौरी की प्लेट में, और ये आ गई कितनी, 4 नागौरी जाती है ना, 4 नागौरी जाती हैं, और साथ में जाती है जी आपकी ये सब्जी। और ये जी है मक्खन लाल हलवाई। कावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन से ना सिर्फ आपको 5 मिनट का रास्ता है अगर ये बेहतरीन आपको नागौरी खाने आना है तो। पता हर्ष भैया भी है, क्या हाल है भैया? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भैया? तो अब मैंने कहा पुरानी दिल्ली की जब बात होती है ना तो आपकी दुकान देसी घी वाली मिठाइयों होगी, पूरी होगी, और बाकी स्नैक्स की बात आती है ना तो सबसे नंबर 1 पे नाम आता है आपका। मुझे बताइए कब से चल रहा है अपना ये सिलसिला? हमारे एस्टेब्लिशमेंट 1940 से और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। अच्छा, आप उससे पार्टीशन से भी पहले से आपके से आपका? हाँ, तो यहीं पे होती थी लोकेटेड? बिल्कुल यहीं शॉप होती थी। और राइट नाउ मैं 5th जनरेशन है। इसी की ही यूज़ कर रहे हो शुरू से? डे 1 से, जब से एस्टेब्लिशमेंट है देसी घी यूज़ कर रहा। तो बाकी अपना टाइम क्या रहता है शॉप का? सुबह 8 o'clock से शाम को 8 बजे तक। तो भैया लोकेशन एक बार गाइड कर दोगे? लोकेशन आपका ये मेन खारीबोली रोड पर है। ठीक है, और मेट्रो से नियरेस्ट मेट्रो चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार। तो देसी घी के नाश्तों की जो मैंने आपसे बात करी थी ना अर्ली मॉर्निंग वाले, उसमें एक ये नाम भी है राम प्रसाद मक्खन लाल जी। तो कभी चांदनी चौक में हो, चावड़ी बाजार में हो, तो देसी घी का अर्ली मॉर्निंग का जो ये ब्रेकफास्ट का पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये भी है। तो अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड कर्शन।